हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड्स, अगर आप कॉलर ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी इस वीडियो में जिससे आपको कॉलर लगाने में आसानी होगी और आपके कॉलर बिल्कुल चढ़ेगा नहीं, सिकड़ेगा नहीं, आसानी से एकदम फिटिंग एकदम फिनिशिंग शायद आपके कॉलर लगेगी। साथ ही अगर आप किसी भी साइज़ की कॉलर ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आप किसी भी साइज़ की कॉलर ब्लाउज़ कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 36 साइज़ की कॉलर ब्लाउज़ बना रही हूँ। आप अदर भी किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, जैसे कि 30, 34, 32, हर एक तरीके साइज़ का आप कॉलर ब्लाउज़ बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी, और साइज़ को कैसे एडजस्ट करना ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको कोई भी सिलाई से संबंधित क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं। तो फ्रेंड, बॉर्डर वाला हिस्सा जो होगा हमारा नीचे की ओर होगा। स्क्रीन पर आप मैंने कर दिया है मेजरमेंट, सारा आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को 11.5 इंच पर फोल्ड किया है। 9 इंच हमारे जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 2 इंच हम लूजिंग के लिए ले रहे हैं और जो हाफ इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा डॉट के लिए है, ठीक है। अब हम लेते हैं लंबाई। तो लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 15 इंच। 14 इंच हमें तैयार चाहिए। आधा इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारे ऊपर से सिलाई जाएगी। अब हम यहाँ पर कंधे मार्क करेंगे। तो फ्रंट कंधा मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली जब हम सादा ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम 5.5 इंच रखते हैं। यहाँ पे मैं 7.5 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलर लगाना है। अगर आप कॉलर वाली ब्लाउज़ नहीं बनाना चाहते तो आप 5.5 इंच रख सकते हैं। क्योंकि ये कॉलर वाला है इसलिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखा है। आर्म होल भी हमें सेम रखना है 7.5 इंच। उसके बाद इस तरीके से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप चाहे तो फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, पर मुझे आपको अच्छे से समझाना है ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ और कॉलर ब्लाउज़ एक ही वीडियो देखने के बाद आपको बनाने आ जाए परफेक्ट, इसलिए मैं यहाँ पे इंची का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, जैसा कि हमारा चेस्ट था 36 इंच, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच में हम 2 इंच लूजिंग के लिए रख लेंगे। यहाँ पर आधा इंच जो हमारा कपड़ा बच रहा है वो हमारा प्लेट्स से आएगा। जो बैक साइड में हम प्लेट्स बनाते हैं डॉट, वो हमारा जाएगा। तो यानी कि 2.5 इंच हम यहाँ पर लेके एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ओके। अब हम चलते हैं नेक की ओर। तो नेक देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। आप 3 इंच ले सकते हैं मिनिमम, लेकिन मैं यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे तो काफ़ी अच्छे से गला आएगा, फैल के, ऐसा नहीं है चढ़ा चढ़ा नहीं आएगा। तो आपको एकदम चढ़ा चढ़ा गला चाहिए तो आप 3 इंच रखाएं। वैसे अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप 3.5 इंच पर मार्क करें। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने गले के 3.5 इंच पर रख लिया है। अब जितना हमारा आर्म होल है उसका 20 का सेंटर, ये देखिए 20 का सेंटर 7.5 है, उसका 20 वाला सेंटर पर इस तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच की गहराई लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे राउंड शेप मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे कर्व स्केल जो होता है उसकी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से फ्री हैंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी ऑलमोस्ट पूरी मार्किंग हो गई है फ्रेंड। तो ये हमारा पीछे वाला पल्ला है। अब हम इस पीछे वाले पल्ले को कट कर लेंगे और पीछे वाले पल्ले की मदद से ही हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सारे लोग का कमेंट कर रिप्लाई भी देती हूँ, आपके भी कमेंट कर रिप्लाई दूंगी, आप अगर कमेंट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, ये हमारा बैक पल्ला है। अब इसी की मदद से हम फ्रंट पल्ला कट करेंगे। तो देखिए, इस ब्लाउज के कपड़े को इस तरह से आगे खींचना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा कपड़ा आएगा, अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें बैक वाले पल्ले को इस तरीके से फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं करनी है, सिर्फ जो आर्म होल वाली हमारे हिस्सा है उसे हम इस तरीके से चौक की मदद से निशान लगा लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और हमारे नेक वाली हिस्से को भी हम डॉट से दबा देंगे ताकि वहाँ पर अच्छे से हमारी मार्किंग आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मार्किंग हो गई। अब हम करते हैं फ्रंट की नेक की गहराई। तो आगे ये जो गले की गहराई वो मैं 6 इंच रख रही हूँ, ओके, 3.5 इंच चौड़ाई। अब इस तरीके से एक चौकट्ठा निशान बना लेना है फ्रेंड। इसी चौकट्ठे निशान के अंदर हमें एक गला का सेप देना है।
तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कुछ भी चाहे तो, बट मोस्टली अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इसमें राउंड शेप ही देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कॉलर ब्लाउज़ अच्छे से बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं डाल रहे, मैं यहाँ पे हल्का सिंपल राउंड नेक दे रही हूँ। अब हम फ्रंट यहाँ पे तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ 12 इंच पे, ये देखिए, क्योंकि ये 36 इंच का इसलिए 12 इंच पे रखना है। अगर आप 36 इंच से कम बना रहे हैं फ्रंट, जैसे कि 34 32, तो आप 11 इंच पे रखें। ओके, दूसरे साइड से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और जो गले वाले साइड से वहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन तीनों लाइन को हमको हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है। तो फ्रंट आपको देखिए साइज़ को कैसे मेजरमेंट करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आपका तीरा जो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ अभी, अगर आपका 32 30 34 है तो आप 11 इंच पे रखें, या फिर 34 से एक्स्ट्रा है तो आप 12 इंच पे इस तरीके से तीरे को घुमा के रखें। और सेम आपको मेजरमेंट करना है, जितना भी आपका चेस्ट हो उससे आप 4 से डिवाइड करके सारे मेजरमेंट को अच्छे से सेट कर लें। तो यहाँ देखिए मार्किंग हो गई है पूरा अच्छे से राउंड शेप में। अब देखिए जो हमारा पट्टी नीचे वाला वो मैं 5 इंच पूरा लूँगी, ये देखिए टोटल 5 इंच आ रहा है, 4.5 इंच, तो मैं 4.5 इंच सारा ले लूँगी क्योंकि यहाँ पर नीचे फोल्डिंग में भी जाता है। तो अब इन सारी मार्किंग को जो मैंने मार्क किया है इसे मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। जो नीचे वाला बॉर्डर बचेगा फ्रेंड्स, मैं इसी का कॉलर बनाऊँगी। जो बॉर्डर दिख रहा है आपका ना, इसी बॉर्डर पे मैं इस कॉलर को सेट करना बताऊँगी। तो आप अभी सोच रहे होंगे इतने छोटे से पतले से बॉर्डर में कैसे कॉलर को सेट करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि इतने पतले कपड़े में आप कैसे अपने कॉलर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कम हो जाता है या फिर आपको कटिंग करने में फर्स्ट टाइम में होता है कि कभी कभी जब नए नए हम लोग कटिंग करते हैं सीखते हैं तो कपड़े हम लोग और छोटे हो जाते हैं, तो उसमें आप कैसे कपड़े को सेट करें ये मैं बताऊँगी। तो चलिए अब देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला है, ये आप देख सकते हैं, और ये नीचे का तीरा है, इसके नीचे वाली पट्टी यानी कि ये आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा पीछे वाला पल्ला। तो पीछे वाले पल्ले की गले की मैंने कटिंग नहीं की है, जब मैं सिलाई करूँगी तब कट करूँगी, मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाऊँगी। अब हम स्लिप कट करेंगे। तो फ्रंट स्लिप को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 8 इंच है, 8.5 इंच लगभग में, तो 8.5 इंच हमारा ये आ रहा है टोटल। अब देखिए कपड़े मैंने 4 फोल्ड कर लिया, फोल्डेड साइड से जहाँ से ओपन है वहाँ से मैं 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। और इसे हल्का सा जैसे हम बाजू की स्लीव की शेप देते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे दे देना है कि नॉर्मली जैसे हम लोग ब्लाउज़ की स्लीव की कटिंग करते वैसे। अब देखिए फ्रंट मुझे मोहरी चाहिए 5 इंच, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी लूजिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। आप अपने हिसाब से लूजिंग रख सकते हैं, आप चाहे तो 1 इंच रखें चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच रखा है। अब इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे फ्रंट्स। अब चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं, सिलाई में इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं सिलाई में एकदम फास्ट फॉरवर्ड होना, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत तरीके अलग अलग तरीके की सिलाई सिखाती हूँ और हर एक डिज़ाइन आपको बताती भी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीरा से कट कर लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। फ्रेंड्स मैं नॉर्मली आपको अपने सादे ब्लाउज़ बनाने का तरीका मैंने बता दिया और डॉट कैसे लगाते वो भी मैंने आपको डिटेल में ही बताया है, तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे टेम्परेरी आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ऊपर से आपको 2.5 इंच लेना है गले वाले साइड को और उसकी लंबाई भी 2.5 इंच लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। नीचे वाले आपको जो लंबाई लेनी है वो हमें लेनी है 4 इंच, मतलब जो जहाँ से हमारा गला स्टार्ट है तो उसके नीचे वाले हिस्से है आपको 4 इंच पे दूरी पे रखना है और 2 इंच चौड़ाई ऊपर की ओर रखना है। तो इस तरीके से आप मार्क करेंगे तो आपका एजेटेड 2 मार्किंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल में आपको डॉट बनाने का तरीका बताया है, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मेरा कैमरा पीछे हो गया था इसलिए नहीं दिखा, बट आप अगर डिटेल में चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, आप मेरे लिंक में जाकर देख सकते हैं डॉट लगाना। तो इस तरीके से सोने से कपड़े हमें इस तरीके से देखिए छाप लेना है यानी कि ट्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेसिंग हो गया, तो अब हम इसे भी चौक से मदद से डार्क कर लेंगे। तो फ्रंट इस तरीके से नॉर्मल डॉट हमारे लगाना तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको एक साइड का डॉट सिल के दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको सारे डॉट कैसे सिलने हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कपड़ा पकड़ेंगे लगभग मैं 1/2 इंच से थोड़ा सा कम,
और सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट आया है। अब इसी तरीके से मैं सारा डॉट तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे डॉट को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले इसकी जो नीचे वाली पट्टी उसे जोड़ेंगे। तो पट्टी को जोड़ने के लिए देखिए सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है ऊपर की ओर मेन कपड़ा, यानी कि जो डॉट वाला हिस्सा है उसको रखना, उसके बाद सिलते हुए लेके चलना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी थोड़ी दूसरी वाली मशीन थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने मशीन चेंज किया है। तो अब थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे कलर थोड़ा मशीन का चेंज हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे मशीन अपनी चेंज की हूँ, यहाँ पर थोड़ा मेरी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है, अब इसके ऊपर एक फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाता है, ताकि जब धुलाई हुलाई हो कपड़ा ब्लाउज़ पहनने के बाद तो धागा उखड़े ना। इसके लिए हम यहाँ पे एक पक्की सिलाई दे देते हैं ऊपर से दबा कर। तो इस तरीके से अब हमें इसे भी सिल लेना है। फ्रेंड्स मैंने इतना अच्छा हमारा कफ बन के तैयार हो गया फ्रंट पल्ले का। इसी तरीके से दोनों साइड के पल्ले को हमें तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बटन पट्टी। तो फ्रेंड्स कॉलर वाला ब्लाउज था, मैंने यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम लिया था, 1 मीटर से थोड़ा कम था ये कपड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कपड़े कम हो गए थे। लेकिन अगर आप कॉलर वाले ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 1 मीटर कपड़ा लें। तो आप देखिए यहाँ पर बटन पट्टी और आई हुक कैसे लगते वो मैं बता दूँ आपको। तो जिसमें आपको हुक लगाने वो वाली पट्टी आपको नीचे की ओर रखने होते हैं, और जिसमें आपको आई बनाने होते हैं वो वाली पट्टी आपको नीचे रखने होते हैं। लगाने का तरीका सेम है दोनों का, बस एक पट्टी आपको ऊपर रखना है, एक पट्टी आपको नीचे रखना है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे अंदर की ओर सिल देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके, इसमें मैं लगाऊंगी हुक। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा फिनिशिंग साथ हमारा बन के कफ तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको दूसरे साइड के पल्ले को तैयार कर लेना, जिससे उसके बाद इस तरीके से लुक आएगा, और उसमें पाइपिंग भी लगा लेना है आपको। तो मैं पाइपिंग लगाने का तरीका भी बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पर बेसिक आपको सिर्फ आपको कॉलर लगाने पर फोकस करा रही हूँ और कॉलर लगाने का तरीका बता रही हूँ। बाकी सब हमारा जैसे सादे ब्लाउज बनता है उसी तरीके से तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग वगैरह भी लगा कर तैयार कर लिया है। अब देखिए जो हमारे गले की गहराई थी बैक साइड का, उसमें हम 1 इंच जितना इस तरीके से मार्क करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे 1/2 इंच मतलब आधे इंच जितना आपको गहराई देनी है। 1 इंच मैं इसलिए मार्क कर मैंने दिखाया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि 1 इंच जितना आप इस तरीके से चकोट्ठा निशान बना ले, उसके बाद 1/2 इंच जितना गले को गहराई दें। ये हमारा पीछे वाला पल्ला है फ्रेंड्स। फ्रंट वाले पल्ले में आपको आई हुक और फिनिशिंग दे देना गले की, यानी कि पाइपिंग लगाना चाहिए तो पाइपिंग लगा ले, पट्टी लगा कर पल्टी करना चाहिए तो पट्टी लगा कर पल्टी कर सकते हैं। तो बैक वाले पल्ले में भी मैंने डॉट बना लिया है और नीचे से कपड़े को फोल्ड करके 1/2 इंच अंदर की ओर रख दिया है। अब हम इस तरीके से फ्रंट वाले पल्ले को रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और दोनों का कंधा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंधे को जोड़ दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कंधे हमारी मार्किंग और साइड का भी हमें फिटिंग दे देना है, मतलब जितना हमें कपड़े को सिल देना है। अब हम कॉलर लगाने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो कॉलर देखिए मैं यहाँ से 2 इंच पे कंधे के पास से मैं 2 इंच नापना है, दोनों साइड में 2-2 इंच पे हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है ब्लाउज़ को, ये देखिए ऐसे, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से कपड़े पकड़ना है, और जहाँ से हमने 2 इंच में मार्क किया वहीं से इंची टेप को नाप रखना है और नापना है कितना आ रहा है। तो ये देखिए 7 इंच आ रहा है, तो 7 × 2 = 14, यानी कि 14 इंच को हमारा हमें कॉलर कट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने जो हम कपड़े सलवार में फ्यूजिंग लगाते हैं बकरम, उससे मैंने ले लिया है, और मैंने यहाँ पे 14 इंच पे लंबाई में लिया है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड कर देते हैं पहले। तो अब मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ। कपड़े देखिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 इंच जितना कपड़ा चौड़ा मैंने और ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इस तरीके से फ्यूजिंग को बीचों बीच यानी कि बकरम को फोल्ड करेंगे
और हल्का सा कर्व शेप देंगे। कर्व शेप यानी कि राउंड शेप देना है हमें और इसे कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से हमारे कॉलर की शेप में ये हमारे बकरम कटिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को और जो मैं बॉर्डर हिस्सा उसे में फोल्ड कर दिया। तो जिस हिस्से में चाहिए बॉर्डर में अगर आपको चाहिए कॉलर बॉर्डर आपको दिखाना है तो बॉर्डर वाले हिस्से पे आपको इस तरीके से रखना है और एक प्रेस चला देना है। तो मैंने यहाँ प्रेस चला दिया है। प्रेस चलाने के बाद आपको क्या करना है ये देखिए इस वाले हिस्से में यहाँ से जो कोना है वहाँ से आपको सिलाई चलाना है। ये देखिए इस तरीके से कोने को सिलाई चलानी है एकदम। ये मैं इस बार इस वीडियो में कुछ अलग तरीके का कॉलर बनाने बता रही हूँ। मैं हर हमेशा आपको वीडियो में पिछली जो वीडियो है उसमें कॉलर लगाने का तरीका भी अलग बताया है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, जो चाहे आपको जो सही लगे आप वो भी बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो यहाँ देखिए मैंने सिल लिया और जो कॉलर सिलाई करने के एकदम थोड़ा सा मतलब दो सूत छोड़ के आपको कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। यहाँ पे कपड़ा मैं डबल ले रही है ये बात ध्यान दीजिएगा आप। और यहाँ पे हल्का हल्का मैं कट का मार्क करूँगी जिससे हम इसे पलट सकें। तो एक तो हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है और दूसरा हमारा प्लेन मैरून वाला कपड़ा। तो देखिए अब इसे फोल्ड करेंगे और इसे पलटी करेंगे। तो पलटी करना बहुत आसान है, इस तरीके से मैंने पलट दिया और देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर तैयार हो गया है। तो अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको, क्या ये जो मैं कट कर रही हूँ ये ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा हमें पहले जोड़ना है, मतलब जो हमारे कॉलर दिखेगी बाहर से उस वाले हिस्से को आपको कट करना है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा जो बाहर से हमें दिखेगा उसे हम कट करेंगे हल्का सा। और उसके जहाँ से मैंने मार्किंग की है वहाँ से देखिए इस तरीके से रखेंगे और सिलते हुए चलेंगे। तो मैं आपको सिलाई पास से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आपको कॉलर लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ से हमने जहाँ से 2 इंच पर मार्किंग की तो वहीं से कॉलर लगाना हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो हम बॉर्डर वाला हमारा हिस्सा है कपड़ा है वो हमारा कॉलर के ऊपर की ओर दिखेगा फ्रेंड्स। जैसे कि आपने इमेज में अभी देखा ना स्टार्टिंग में, वो हमारा हिस्सा कॉलर में दिखेगा ऊपर की ओर और जो हमारा मैरून वाला कपड़ा है वो हमारा अंदर की ओर चला जाएगा। तो जब भी आप कॉलर लगाएं तो इस बात का ध्यान दें कि आपको कौन सा हिस्सा कट करना है। जो ऊपर की ओर दिखेगा उस वाले हिस्से को आपको हल्का हल्का कट कर लेना है। अब देखिए जो ये मैरून वाला कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो इसे भी मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए कोने वाले आप हिस्से को आपको अच्छे से एकदम पकड़ के कपड़े को अंदर डालना है, थोड़ा सा भी कपड़ा आपको बाहर नहीं रखना है, एकदम अच्छे से फिनिशिंग साथ पकड़ना है और कॉलर को बिल्कुल नहीं खींचना। इस बात का भी ध्यान देना आपको, कॉलर जब भी लगाते हैं हम कॉलर को नहीं खींचते हैं, अगर कॉलर खींचेंगे तो वो टाइट हो जाता है और वो चढ़ा चढ़ा सा दिखता है, फिर जब धुलते हैं तो वो एकदम बेकार हो जाता है। तो आपको कॉलर को एकदम ढीला सिल छोड़कर इस तरीके से कपड़ा धोखीजिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो अंदर डाल रहे हैं और बाहर वाला ऊपर वाला कपड़ा भी हम अंदर की ओर करके इसे सिल रहे हैं। ये देखिए ये अंदर वाला कपड़ा भी हम सिलेंगे और बाहर वाला भी कपड़े को अंदर। और देखिए जो कोना उसे हम इस तरीके से एकदम अच्छे से फोल्ड करेंगे मोड़ेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से आपको अंदर की ओर डाल देना और उसके बाद सिलाई करनी है फ्रेंड्स। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से परफेक्टली कॉलर ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। आपको बस थोड़ा हल्का हल्का छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए मैंने सिल दिया, इसमें एक दो सिलाई और कर दी जिससे अच्छे से बैठ जाए हमारी पक्की सिलाई जो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिल दिया, अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नीट एंड क्लियर ये कॉलर बन के हमारा तैयार हुआ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो बॉर्डर का कॉलर बना वो और भी ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है इसका, इतना ज़्यादा एकदम उभर के ये कॉलर हमारा आया हुआ है फ्रेंड्स। तो अब क्या करने लेना है आपको, इसकी बाजू को अटैच कर लेना है और जो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग है उसे आपको फिटिंग दे देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा जिससे आपको सारे अपडेट मिलते हैं।